दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कीड़े मकोड़े कुछ पेड़ पौधों को चट कर जाते हैं। बाहर से तो पेड़ दिखाई देता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। परंतु क्या आपने ऐसे पेड़ पौधे देखे हैं जो कीड़े मकोड़ों को ही खा जाते हों? चलिए आज कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर 1, यूट्रिकुलेरिया। इस पौधे को ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। यह पौधा भारत के पूर्वोत्तर में पाया जाता है। इसकी पत्तियां गोल गुब्बारे नुमा होती हैं। जैसे ही कोई छोटा जीव इसके नजदीक आता है, इसके रेशे उसे जकड़ लेते हैं। पत्तियों से निकलने वाला एंजाइम उस छोटे जीव को नष्ट करने में मदद करता है। यह ज्यादातर साफ पानी में पाया जाता है और इसकी कुछ प्रजातियां पहाड़ी वाली जगह पर भी मिलती हैं। नंबर 2, वीनस फ्लाई ट्रैप। यह पौधा मूल रूप से अमेरिका के कैरोलिना में पाया जाता है और इस पौधे की पत्तियां दो हिस्सों में बटी होती हैं। जब भी कोई जीव इन पत्तियों पर बैठता है तब फौरन ये पत्तियां आपस में जुड़ जाती हैं और उस जीव को नष्ट करने के बाद वापस अपनी जगह पर आती हैं। आपको बता दें कि इस पौधे की बड़ी प्रजातियां चूहा, मेंढक, छिपकली आदि बड़े जैसे जीवों का भी शिकार करती है। नंबर 3, कोबरा लिली। इस पौधे का असली नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निया है, लेकिन इस पौधे का आकार कोबरा सांप की तरह होता है। इसी कारण इसे कोबरा लिली कहते हैं। यह पौधा मुख्य रूप से उत्तरी कैलिफोर्निया एवं ओरेगोन में पाया जाता है। इसके पत्तियों का ऊपरी हिस्सा किसी फूले हुए गुब्बारे की तरह होता है और इसी गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है। इसी रास्ते से छोटे छोटे जीव अंदर तो चले जाते हैं लेकिन फिर वापस नहीं आ पाते। नंबर 4, बटरवर्ट। इस पौधे को पिंगुक्यूला के नाम से भी जानते हैं। इसके फूल बेहद सुंदर और आकर्षित होते हैं। इनके पत्तियों पर एक चिपचिपा द्रव होता है जो कि ओस की बूंदों की तरह दिखाई देता है। छोटे छोटे कीड़े अपना खाना समझकर जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं तो वे इस चिपचिपे पदार्थ पर चिपक जाते हैं और ये पौधा उन्हें पचाने का काम शुरू कर देता है। नंबर 5, नेफेंथिस खासियाना। ये पौधा मूल रूप से असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों का आकार किसी घड़े की तरह होता है। इसी कारण इसे हिंदी में घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। कलश के अंदर एक प्रकार का मीठा तरल पदार्थ पाया जाता है। उसे खाने की लालच में छोटे छोटे जीव इस कलश के अंदर आ जाते हैं और फिसल कर उस तरल पदार्थ में गिर जाते हैं। दरअसल वो तरल पदार्थ इन जीवों को नष्ट करने का काम करता है और इस प्रकार ये पौधा छोटे जीवों का शिकार करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।